फ्री है यार। अब इतनी लू में है ना, इतनी धूप में ये गन्ने का जूस यार, ये भीगा हुआ तौलिया ही बचाते हैं। ये ले लिया है, इसको बांध लिया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, और आज है शनिवार 27 अप्रैल। अभी सुबह के 7 बजे हैं और अभी 15-20 मिनट में नहा लेते हैं, फिर स्कूल जाना है, और आज शनिवार है तो गांव भी जाना है। हेलो दोस्तों, तो छुट्टी हो गई है और अब मैं घर निकलने वाला हूँ, और हेलमेट पर भी है, सेटअप कर लिया है अपना मोबाइल का। गर्मी भी बहुत तेज़ धूप है। चलो देखते हैं, देखें अब गर्मी में निकलना पड़ेगा। लगभग 1 बजे छुट्टी हुई है, अब देखें लगभग 4 बजे तक पहुंचूंगा, क्या होगा देखें, या फिर थोड़ा सा बीच में काम भी है मुझे। अब सर्दियों में तो क्या है कि ये ग्लव्स हैं, लेकिन अब गर्मियों में ये पहन नहीं सकते अपन, तो गर्मियों के लिए ये ग्लव्स हैं मेरे पास। ये टॉवल है इसको थोड़ा सा। ये पियो, ये गन्ने का जूस पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो। तो दोस्तों, मैं कमरे से थोड़ा सा आगे निकल के आ गया था, तो गन्ने वाले अंकल जी दिख गए, तो सोचा गन्ने का जूस पी लेते हैं। अब इतनी लू में है ना, इतनी धूप में ये गन्ने का जूस यार, ये भीगा हुआ तौलिया ही बचाते हैं। इसको करते हैं फिनिश और फिर चलते हैं आगे। देखे बेटा, अरे कहीं है वो, ध्यान है कदम, कहीं है आईफोन तो है, वीडियो मना बाय बाय। तो दोस्तों, मैं 1 घंटे चलने के बाद मैं यहाँ पर नावा के पास पहुँच गया हूँ, और सुबह से खाना भी नहीं खाया था, तो सोचा थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। नमस्कार, ऑटो कट कर दो। ऑटो कट ही करना है गर्मियों में, मतलब फुल नहीं करानी चाहिए कभी भी, है ना। ऑटो कट सही रहता है, ऑटो कट में क्या है कि थोड़ी बहुत जगह रहती है इसमें, देखना अभी आप। ऑटो कट में क्या है कि फुल नहीं होती है टंकी, तो गर्मियों में टंकी में विस्फोट होने के आग लगने चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एयर टाइट नहीं होता फिर वो। अब देखो ऑटो कट हुआ है ना, इसमें जगह है देखो। ओके, और सा जब भी मैं ब्लॉग बनाऊ उन्हें थे ही ब्लॉग। ओके सा, हवा डाल देंगे बड़ी।
फ्री एयर, फ्री एयर। बाइक में क्या है कि हवा कम हो जाती है, लंबे रूट में चलते हैं ना, तो लंबे रूट में हवा डालनी होती है। इसमें देखो फिक्स यहाँ पर कितना आ रहा है, 36। इसको बढ़ा देता हूँ मैं, ये 51 डाल लेते हैं पीछे वाले टायर में। आगे वाले टायर में तो है, क्या हुआ आगे वाले में तो है। चलो चलते हैं वापस अपने सफर पर। ये बाइक का ये भी टूट गया, साइड का पैनल है ना ये देखो, ये एक तो ये पैनल था और एक ये पैनल है, ये पैनल भी टूट गया। ऑर्डर किया हुआ था लेकिन ये आया नहीं है अभी। कहाँ जाओगे? जोमनेर। बैठ जाओ, बैग को आगे लेऊंगा, मेरे वाले बैग को आगे लेऊं क्या? हैं? सही है। क्या करता है बेटा? RSCIT। चलो क्या नाम है? राज। अरे यार ये क्या नाम है तेरा इतना खतरनाक? अरे जे वाह, ठीक है, बाय बाय। तो भैया जोमनेर पहुंच गया हूँ, ये बच्चा रास्ते में खड़ा था, बोला जोमनेर जाऊंगा तो बैठा लिया इसको। और अब जोमनेर पहुंच गया हूँ मैं और यहाँ पे थोड़ा सा सामान लेना है, फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। पर जोमनेर से ये हेवल्स का पंखा लिया है, देखो दिखाता हूँ आपको, ये ले लिया है, इसको बांध लिया है। देखिए रुक जाएगा घर तक, चलते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं रास्ते में। कालवाड़ के पास ही पहुंच गया हूं। और एक तो ये बाल है ना हेलमेट में, पूरे ख़राब हो जाते हैं, हेयर स्टाइल पूरी ख़राब हो जाती है, लेकिन लगाना भी बहुत ज़रूरी है। कालवाड़ पहुंच गए हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। नहीं नहीं नागौरी व्हील का जूस है भाई, बहुत ही शानदार। व्हील क्या है कि ठंड भी करता है, गर्मियों में ठंडा ठंडा रहता है, ठंडी है इसकी तासीर। तो दोस्तों अब घर पहुंचने ही वाला हूं, आज का ये व्लॉग था, ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे द एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।